हम अपनी फैक्ट्री को कैसे मैनेज करें, हमारी फैक्ट्री में सही काम चलता रहे, इसको हम कैसे मैनेज करें, हमारी फैक्ट्री में वर्कर्स सही काम करें, इसको भी हमें मैनेज करना है, प्रोडक्शन भी अच्छा लेना है और हमें ग्राहक की संतुष्टि के अनुसार माल भी तैयार करना है। तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने यहाँ, क्योंकि हर प्रोडक्ट फैक्ट्री में ही बनना है, उस फैक्ट्री सभी की जरूरत फुलफिल होती है एक फैक्ट्री से, तो उस फैक्ट्री से हम कैसे सबकी ज़रूरतें पूरी करें, हमारी भी ज़रूरतें हैं, वर्कर्स की भी ज़रूरतें हैं, बायर की भी ज़रूरतें हैं, हम उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हम ये फैक्ट्री अच्छी चले, लगातार चले, धन भी दे, यश भी दे, तो हम उस फैक्ट्री के अंदर कहाँ कौन सा टूल लगाएं। तो आज हम इसके ऊपर ही डिस्कस करते हैं कि हम फैक्ट्री पर कौन सा टूल लगाएं। फैक्ट्री एक बहुत बड़ा एरिया है, हो सकता है छोटी भी हो, अगर छोटी फैक्ट्री है तो हम ऑफिस को फैक्ट्री के साथ ही ग्रीड करेंगे, अगर फैक्ट्री बहुत बड़ी है 2,000 4,000 10,000 20,000 गज में है तो उस फैक्ट्री को हम एक अलग स्पेस और एक ऑफिस एक उसमें सेपरेट स्पेस के हिसाब से ही ग्रिड करेंगे। ऑफिस की भी 16 दिशाओं के अनुसार काम करेंगे और फैक्ट्री की भी 16 दिशाओं के अनुसार काम करेंगे। हम प्रोडक्शन कहाँ करेंगे, स्टॉक कहाँ रखें, रॉ मटेरियल कहाँ रखें कि लगातार कंज्यूम हो, फिनिश गुड्स गुड्स बना हुआ सामान, बना हुआ माल कहाँ रखें जो हमारे पास रुके ना, हमारा माल बनने से पहले हम पे ऑर्डर मिलते रहें, तो हम उसे कहाँ पे मैनेज करें, कहाँ रखें, इसको आप अपनी फैक्ट्री के अनुसार आप उसे डिवाइड करें। वेल्डिंग हो रही है, कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, अग्नि जल रही है, वेल्डिंग हो रही है आपके फैक्ट्री में, तो आप कोशिश करें साउथ की दिशा में उन्हें यूज करें तो वो अच्छा रेस्पॉन्स देंगी। वेल्डिंग का सारा काम, अग्नि का सारा काम साउथ की दिशा में आप ले आए, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, तीन दिशाओं में आप अग्नि का काम रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे बेहतर प्रोडक्शन दे पाएंगे। ऐसे ही एक थोड़ी सी अग्नि आपको साउथ वेस्ट में भी रखनी है, साउथ वेस्ट में आप अग्नि बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ी सी देंगे, इसका एक लॉजिक है, साउथ वेस्ट में अग्नि देने का एक लॉजिक है, वो लॉजिक ये है, अगर आपकी फैक्ट्री में साउथ वेस्ट बहुत अच्छा हो गया तो मैनेजमेंट उसमें व्यवस्था नहीं बना पाएगा, सारे वर्कर्स एक हो जाएंगे, सारे कर्मचारी एक होने के बाद आपके ऊपर कंट्रोल बढ़ जाएगा, तो उन्हें थोड़ा सा चटक बनने के लिए उनमें आपसी मतभेद भी ना हो और आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप भी ना हो तो छोटा सा एक अग्नि हम साउथ वेस्ट में देंगे। ऐसे ही अपना ऑफिस कहाँ बनाएं, अगर आपको सरकारी डिपार्टमेंट में सप्लाई है, गवर्नमेंट सप्लाई है आपकी, तो अपना ये ऑफिस ईस्ट में बनाएंगे आप। इसी तरह आप अब देखें कि आपका पानी का काम है, लगातार पानी यूज होता है आपके काम में, तो आप उसे वेस्ट में भी यूज कर सकते हैं, पश्चिम में भी यूज कर सकते हैं पानी, और उत्तर दिशा में नॉर्थ में भी यूज कर सकते हैं उस पानी को, वहाँ से आप पानी
आप सप्लाई लेंगे तो ज़्यादा अच्छे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। डिस्पोजल एरिया है हमारा, डिस्पोजल एरिए में आप जो भी वेस्टेज है, जो भी डिस्ट्रॉय सामान है, खराब सामान जिससे आप बहुत जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं, वहाँ एक छोटा सा एरिया बनाइए डिस्पोजल में, जो सारा कूड़ा कबाड़ा जिससे आप कुछ लाभ मिल सके वहाँ रख दीजिएगा, बहुत जल्दी आपको लाभ मिल जाएंगे। फिर आप अपने ऑफिस को देखें, ऑफिस आपके 16 दिशाओं में किस दिशा में है। हमने कई जगह पाया कुछ गलतियों से ऑफिस फैक्ट्री के डिस्पोजल में आ गया है, तो वहां क्या होगा, ऑफिस रुकेगा ही नहीं, व्यवस्था बनेगी नहीं। तो अपने ऑफिस को देखें कि ऑफिस आपका सही जगह है, उस ऑफिस को भी आपको मैनेज करना है। फिर ऑफिस के अंदर भी आपको 16 दिशाओं के अनुसार अपने बैठने की जगह, बॉस कहाँ बैठे हैं, अकाउंटेंट कहाँ बैठे हैं, आपसे वेंडर जो माल खरीदने वाले आ रहे हैं वो कहाँ वेटिंग रूम बनाएं कि वो आपसे प्रसन्न रहें, खुश रहें, है ना, इरिटेट ना हो। किचन ऑफिस में कहाँ बनाएं, टॉयलेट अगर ऑफिस में बना रहे हैं तो उसकी कटिंग ज़रूर करें। ऐसा नहीं होगा कि ऑफिस के हिसाब से आपने टॉयलेट तो बना दिया, वेस्ट में ऑफिस बनाया बहुत अच्छा है, पश्चिम में ऑफिस आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वहाँ टॉयलेट बनाएंगे तो कटिंग करिए आप उसकी, तत्वों के हिसाब से आप उसकी टॉयलेट की कटिंग कर देंगे। तो आप जो 16 दिशाओं के अनुसार फैक्ट्री के वेस्ट जो पड़ा उसमें आपको टॉयलेट शीट होने की वजह से कुछ लाभ डिस्पोज होते रहेंगे, तो वो ना हो तो आप जरूर टॉयलेट की कटिंग करें। ऐसी आप पश्चिम में पेड़ बोने की कोशिश ना करें। पश्चिम में आपने ऑफिस तो बना लिया, आपने सोचा अपने बाहर हरियाली भी कर लें, एक लॉन बना लें, नहीं। अगर आप पश्चिम में ऑफिस बना रहे हैं तो आप पेड़ों को अवॉइड करें, घास को आप अवॉइड करें, घास ना उगाएं वहाँ, वहाँ पक्का रखें। अगर घास ही उगानी है तो अपना ऑफिस नॉर्थ की साइड देखें, ईस्ट की साइड देखें, वहाँ आप जितनी घास उगाएंगे, जितने पेड़ लगाएंगे उतने आपको लाभ मिलेगा। तो इन छोटी बातों को ध्यान रख के आप अपना लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी एंट्रेंस देखें, फैक्ट्री की एंट्रेंस क्या आ रही है, साउथ में S4 की एंट्रेंस फैक्ट्री समृद्धि के लिए अच्छी है, लेकिन नॉर्थ की एंट्रेंस बहुत अच्छी है, पश्चिम में भी एंट्रेंस बहुत अच्छी है। ऐसे नहीं है, एंट्रेंस आपकी कोई सी भी हो, कोशिश करें अगर बड़ा एरिया है तो उसमें एंट्रेंस बहुत सारी अच्छी निकल जाएंगी, आप उसमें एक एंट्रेंस जरूर खोलें जिसमें सारे वर्कर्स आए, सब आए, वह एंट्रेंस आपको धन लाभ देगी। तो इन जगह को आप कैसे और अच्छा कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको तत्वों को बैलेंस रखना है, फिर उसके बाद आपको सिंबल्स यूज करने हैं। फिर आपको सिंबल्स आप कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे आपको क्या चाहिए, सरकारी मदद चाहिए तो अपने ऑफिस में साउथ वेस्ट में एक अशोक स्तंभ भी रख देंगे तो आपको सरकारी काम नहीं रुकेगा, सरकारी आपकी मदद आपको मिल जाएगी लगातार, लेकिन तत्वों का बैलेंस करेंगे आप। धन कुबेर व्यवस्था करते हैं, आपके काम को एकाग्रता के साथ करने के लिए इंद्रदेव मैनेजमेंट सिखाते हैं कि राजा कैसे काम करता है, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र हैं, वो आपको सिखाते हैं कि आप मैनेजमेंट कैसे चलाएं, तो आपको इंद्र देव को ईस्ट में रखना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा, आप मैनेजमेंट में आप कामयाब होने शुरू जाएंगे। अपना फेम बढ़ाना है तो एक लाल हाथी साउथ में रख देंगे, तो लाल हाथी एक बहुत बड़ा हाथी, एक भारी भरकम होने की वजह से
और लाल हाथी फेम फैलाएगा। एक अग्नि, अग्नि अट्रैक्शन करती है, अग्नि आपको दौड़ाती है, अग्नि कुछ भी कहीं भी अग्नि जल रही हो, कुछ लाल रंग होगा तो आप एक बार देखेंगे जरूर। अट्रैक्शन कुछ भी है जिस पे आपको अट्रैक्शन है वो अग्नि है, चाहे किसी का चेहरा ही क्यों ना हो, वो अग्नि की निगाहों से ही आप देखोगे। तो एक लाल हाथी साउथ में रख देंगे तो आपका फेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। धन भी चाहिए, धन की व्यवस्था नॉर्थ वेस्ट से होती है। वहाँ एक सफ़ेद घोड़ों का जोड़ा या 12 घोड़ों का जोड़ा, 12 घोड़ों का जोड़ा दौड़ते हुए आप रख देंगे तो आप पाएंगे कि धन बैंक भी सपोर्टिव हो गए हैं और भी धन कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट में आने लगा है, क्योंकि एक रीढ़ की हड्डी है। किसी भी फैक्ट्री, किसी भी फर्म के लिए धन एक रीढ़ की हड्डी है। समय पर धन आना चाहिए आपको। तो वो धन आने के लिए आपको छोटे छोटे सिंबल लगाइए आप। ऐसी लाल घोड़े हैं, लाल घोड़े साउथ में लगा दीजिएगा। इन सब की फेसिंग जो भी आप देख रहे हैं, जितने आप सिंबल लगा रहे हैं, इन सब की फेसिंग आप सेंटर में रखेंगे। इसके साथ आप देखेंगे आपने फाइलें भी यूज करनी है। आप ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बहुत तरह की फाइलें होती हैं, परचेज की फाइल अलग, सेल की फाइल अलग, सब कुछ है कंप्यूटर में ही, लेकिन आप फाइलें भी मैनेज करते हैं। उन फाइलों का कलर भी आप तत्वों के हिसाब से ही बैलेंस करेंगे, अन्यथा आपको लाभ मिलने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पैसा ना फंसे, आपने माल बेचा, पैसा समय पर भी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी फाइलों को कहाँ रखें, तत्वों के हिसाब से बैलेंस कर लेंगे तो आपका दिया हुआ माल का पैसा समय पर ही आएगा, आपको लेट नहीं होगा। इन सब को छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर आप अपनी फैक्ट्री को बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे सुचारू रूप से चला सकते हैं। छोटी चीज़ों को कहीं तोड़ना नहीं है, कहीं आपको इधर उधर नहीं करना, सिर्फ सामान को अपने हिसाब से मैनेज करना है। सामान जो भी आप खरीद रहे हैं, जो भी आप जनरेटर रूम बना रहे हैं, जनरेटर रूम कहाँ बनाएं आपको सपोर्टिव भी रहे, क्योंकि जनरेटर घूमता है ईस्ट साउथ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप जनरेटर रख देंगे। अगर साउथ में भी जनरेटर रखना है आपको, अगर साउथ में भी अगर आपको जनरेटर रखना है तो नीले कलर को तत्वों का ध्यान रखें वो ना हो, तत्वों का बैलेंसिंग ना बिगड़े किसी भी तरीके से, तत्वों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस पूरा सृष्टि तत्वों पर ही आधारित है और आप भी जिस काम को कर रहे हो सब कुछ तत्वों पर ही मैनेज करता है। तो आप तत्वों को ही आप ध्यान में रखें। अपना बोर्ड, फैक्ट्री का बोर्ड आप बनाना चाहते हैं, पश्चिम में आपका एंट्रेंस है या उत्तर दिशा में आपकी एंट्रेंस है तो लाल कलर अवॉइड करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले लेंगे। पश्चिम में आप हरा कलर या लाल कलर अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा ले लेंगे। अगर यही फैक्ट्री का दक्षिण दिशा में है तो आप लाल कलर आपको फायदा देगा। तो तत्वों का जरूर ध्यान रखें। अगर आपकी फैक्ट्री चल रही है तो बहुत अच्छा है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रॉब्लम, अगर आपकी फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं तो आप इस हिसाब से देखें। अगर आपकी पुरानी फैक्ट्री है जो चल रही है, उसमें कहीं भी रुकावट है तो आप इन तत्वों के हिसाब से उसे मैनेज कर लें, अन्यथा प्रॉब्लम पे ही काम करें। जहाँ प्रॉब्लम है उसी एरिए को आप मैनेज करें, सारी फैक्ट्री का सामान इधर उधर ना करें। किसी भी चीज़ को, किसी भी लाइफ में, अपने जीवन में जहाँ प्रॉब्लम है उसे ही आप देखें, उसे ही आप सही करें तो ज़्यादा अच्छे लाभ मिलेंगे आपको, अन्यथा आप समझिए क्या कर सकते।